सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इक्सिगो ऐप से ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप सब कुछ इजीली से समझ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कन्हैया और आप देख रहे हैं टेक्निकल फुटेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने ऐप को ओपन कर लेता हूँ। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। तो चलिए हम अपने मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं और देखिए मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर नीचे आ गया है। हम इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये ऑटोमेटिक मेरे नंबर पे ओटीपी आएगा और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम इसे यहाँ से कट कर हो जाएगा और ये हम इसमें इस ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसमें बहुत सारा फैसिलिटी दिया हुआ है, आप इसमें बहुत कुछ देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं सीट, मुझे ट्रेन टिकट बुक करना है तो इसके लिए मैं सीट अवेलेबिलिटी पर टच करूँगा। टच करने के बाद आपको कहाँ से जाना है, फ्रॉम से, जहाँ से जाना है वहाँ फ्रॉम पे टच करेंगे और टच करने के बाद यहाँ पे लोकेशन मांग रहा है, इसे हम अलाउ कर देते हैं। करने के बाद आपको कहाँ से जाना है, तो चलिए मुझे भागलपुर से जाना है लखीसराय, तो मैं पहले भागलपुर ले लेता हूँ। BHAGA। तो चलिए देखिए आ गया स्टेशन, मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कहाँ तक जाना है उस स्टेशन का नाम डाल देता हूँ। तो मुझे लखीसराय जाना है भागलपुर से, तो मैं लखीसराय डाल देता हूँ। तो चलिए लखीसराय आ गया, मैं इसे यहाँ से टच कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, डेट पे टच करके हम एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमें 5 तारीख को जाना है तो मैं 5 तारीख ले लेता हूँ और उसके बाद सर्च ट्रेन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे जितने भी सारे ट्रेन होगा उस रूट का जितना भी ट्रेन होगा सारा यहाँ पे आ जाएगा। इसमें से जो भी आपको टाइम सूटेबल लगता है, आप जिस टाइम में जाना चाहते हैं आप उस ट्रेन को यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए मुझे 2 बजे वाले ट्रेन से जाना है, तो देखिए यहाँ पर 2:05 में एक ट्रेन है और इसमें सीट भी अवेलेबल है, 2S लिखा हुआ है और बैठने वाली ट्रेन है और इसमें 908 सीट अवेलेबल है। इस तरह से स्लीपर में भी सीट अवेलेबल है बट मुझे 2S का सीट बनाना है। तो चलिए हम इसे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए 5 तारीख को यहाँ पे है 908 सीट और इसका किराया 65 रुपया है। और इस तरह से हम इसे यहाँ पे बुक करने के लिए बुक पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम बुक पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो देखिए मैंने पहले से यहाँ पर नाम से सेव करके रखा है। तो चलिए मैं पहले इसे यहाँ से हटा देता हूं। अगर आप चाहे तो यहां पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके इस तरह से आप पैसेंजर को ऐड करके प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे ऐड कैसे होता है इसके लिए मैं पहले इसको यहां से डिलीट कर देता हूं और आपको ऐड करके दिखाता हूं कि यहां पे ऐड कैसे होता है। इसके लिए यहां पे ऐड ट्रेवलर का ऑप्शन है, इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद पैसेंजर का नाम, एज और वो मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर डाल देंगे, सिलेक्ट प्रेफरेंस और उसके बाद ऐड ट्रेवलर पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं फटाफट सब कुछ फिलअप कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ नाम, एज, मेल और नो प्रेफरेंस करके इसे सब कुछ फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐड ट्रेवलर का ऑप्शन है, हम इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से देखिए ये पैसेंजर का जो भी नाम मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे शो कर गया। इस तरह से और भी पैसेंजर, अगर आप एक साथ 2 आदमी 3 आदमी जाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से ऐड ट्रेवलर पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप फिर से आप नेम, एज, मेल फीमेल और सिलेक्ट प्रेफरेंस डाल देंगे। तो चलिए मैं एक और पैसेंजर का नाम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऐड ट्रेवलर पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से देखिए 2 पैसेंजर हो गया और मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको अगर यहाँ पे इसे इंश्योरेंस चाहिए तो आप यहाँ पे इसे चेकबॉक्स कर देंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड। तो आप इस पर जब क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, जब आपका टिकट कंफर्म होगा तभी आपका पैसा कट देगा और कंफर्म नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा।
इसके बाद आप यहाँ पे इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आप देख लेंगे आपका मोबाइल नंबर सही है और जीमेल आईडी, इसी पे आपका टिकट आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, आपका जो एड्रेस है, जो डेस्टिनेशन पिन कोड है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ। इस तरह से पिन कोड डालते ही ये ऑटोमेटिक पूरा एड्रेस ले लेगा। तो आप देख लीजिए पिन कोड डालते ही ये पूरा एड्रेस ले लिया है। अगर आपको ये सब कुछ सही लग रहा है तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, और कुछ गलत लग रहा है तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मेरा पोस्ट ऑफिस ये सही नहीं लिया है तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो मेरा सही है हम उसको यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, पे नो चार्ज व्हेन टिकट इज कैंसिल्ड, इसमें कहता है ओनली 26 पर पैसेंजर। अगर आप चाहते हैं कि जब आप इस टिकट को कैंसिल करें तो आपको कोई भी जितना भी आपका पैसा है वो रिफंड आ जाए, तो इसके लिए आपको 26 रुपया पर पैसेंजर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप रिफंड नहीं करना चाहते हैं, आप फ्री में कैंसिलेशन नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कैंसिल करने पर पूरा पैसा हमें वापस मिले, तो इसके लिए आप यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से क्या होगा, जब आप इस टिकट को कैंसिल करेंगे तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो आपको 26 रुपया पर पैसेंजर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मुझे फ़िलहाल इस टिकट को कैंसिल नहीं करना है, इसीलिए मुझे जाना है, तो मैं नो पे कर देता हूँ। अगर आप यस पे करेंगे तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड मिलेगा। तो चलिए इसके लिए हम नो पे क्लिक कर दिए, और उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको देखिए डालना है IRCTC का यूज़र आईडी, जो मैंने पहले से बना रखा है। अगर आपने IRCTC यूज़र आईडी का अकाउंट नहीं बनाया तो आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और चाहे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो इस टॉपिक पे भी एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मेरे पास IRCTC का यूज़र आईडी है, तो मैं फटाफट यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद हम आईडी को यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये परमानेंट के लिए सेव हो गया। सेव होने के बाद हम सब कुछ चेक कर लेंगे, मेरा पैसेंजर का नाम 27 नंबर, और उसके बाद जो भी पैसेंजर है देख लिए, उसके बाद पूरा डिटेल से देख लेने के बाद आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, सब कुछ चेक कर लेने के बाद आप इसे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने नो आई डोंट वॉन्ट फ्री कैंसिलेशन किया है। इस तरह से जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम फ्री कैंसिलेशन चाहते हैं, मतलब पूरा पैसा रिफंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 26 रुपया पर पैसेंजर करके हमें एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये पे ना करके मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पैसा किस तरह से पेमेंट करना है, आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मुझे फ़ोन पे से पेमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन पे को टच कर लेता हूँ। फ़ोन पे को टच करने के बाद ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा अकाउंट को। तो चलिए देखिए कैसा इंटरफेस आता है। तो देखिए यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, टोटल पैसा मुझे 168 रुपया 42 पैसा लग रहा है, और ये अकाउंट मुझे सिलेक्ट करने बोला, मैंने ले लिया, और यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, हम इसे सेंड पर क्लिक कर देंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन पे का जो भी पासवर्ड है आप यहाँ पे आप डाल देंगे। तो देखिए मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, और मैं इसे यहाँ पे डन कर दिया, और ये पेज को ओपन कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरा जो IRCTC का जो पासवर्ड है हम यहाँ पे पासवर्ड को डाल देंगे, और फिर जो कैप्चा है इस कैप्चा को फिलअप कर देंगे। तो चलिए मैं अपने IRCTC के पासवर्ड को फटाफट डाल देता हूँ। तो चलिए मेरा पासवर्ड और कैप्चा दोनों ले लिया है, और देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे ये रेटिंग मांग रहा है, तो हम इसे नॉट नाउ कर देते हैं, बाद में दे देंगे। और देखिए मेरा जो टिकट है ये कंफर्म हो गया है। यहाँ से देखिए आप D2 का 74 है और D2 का 75 है। इस तरह से आप टिकट यहाँ से देख सकते हैं, और ये मैसेज भी आ गया है, और आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और इसके बाद आप देख सकते हैं आपका ट्रेन का जो नाम है, जो नंबर ट्रेन नंबर है, और ट्रेन कितने बजे जाएगी और कब पहुंचेगी, ये सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर भी दिखा रहे हैं कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे जाएगी। आप यहाँ से PNR नंबर देख सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ से इसे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आप इस बटन पे आप यहाँ से शेयर पे ट्रिप पे क्लिक करेंगे और इस इधर यहाँ से आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जीमेल पे भेज सकते हैं। तो चलिए, मेरे व्हाट्सएप पे मैंने नोट बना रखा है, तो मैंने यहाँ से व्हाट्सएप पे टच करता हूँ। और टच करने के बाद देखिए यहाँ पे एक नोट्स का ऑप्शन है। ये नोट कैसे बनता है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस नोट पे क्लिक करेंगे और सेंड कर देंगे तो ये मेरे ही व्हाट्सएप पे रह जाएगा और किसी दूसरे के व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा। इस तरह से मैंने नोट्स बना रखा है, जो भी ज़रूरी काम है आप अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। और आप चाहे तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं कि नोट्स कैसे बनता है। सो फ्रेंड्स, इसे हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। और बैक करने के बाद अब आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, जो चलिए मैंने इसे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद इसे यहाँ पे अलाउ करता हूँ। अलाउ करने के बाद देखिए ड्राइव PDF का ऑप्शन है, इसे यहाँ से टच करेंगे। और टच करने के बाद देखिए यहाँ पर जो आपका टिकट जैसे आपको नेट वाला बना के देता है वैसे यहाँ पर बन के आ जाएगा। इस तरह से देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये टिकट पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है और आप ये आपके ये फाइल में सेव हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे यहाँ से बैक कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं, पूरा पैसेंजर का नाम डिटेल आपको सब कुछ शो करेगा। आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर, पैसेंजर का डिटेल, PNR नंबर, आप सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली से। इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि आपका टिकट बुक होकर के कहाँ गया। तो इसके लिए आप यहाँ से प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे माई बुकिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रेन का ऑप्शन है, सबसे ऊपर में ट्रेन को क्लिक करेंगे। ट्रेन को क्लिक करने के बाद देखिए मैंने जो टिकट बुक किया हूँ वो टिकट यहाँ पे शो कर रहा है और आप यहाँ से टिकट देख सकते हैं। इसे ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो आपका ये पूरा टिकट शो कर जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन ट्रांजैक्शन का है, तो आप ट्रांजैक्शन पे भी जा करके आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने कितने का टिकट बनाया है। 168 रुपया 42 पैसा का है ये, आपको पूरा 4 दिसंबर को बनाया, तो ये पूरा चीज़ यहाँ पे डिटेल में आपको शो कर जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही आने वाले यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे यूजफुल ट्रिक्स के साथ।